मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो मेरी वीडियो है वो गंगा मैया पर है, और ये एक विशेष वीडियो है और इसको ज़रूर देखें। और जो गंगा मैया में आस्था रखते हैं वो ज़रूर देखें। ये जो कार्तिक मास में वैकुंठ चतुर्दशी आती है उस दिन गंगा मैया को दीपदान किया जाता है, ये उस पर है। और गंगा मैया तट पर जहाँ भी होता है ये सभी धार्मिक स्थान में ये वैकुंठ चतुर्दशी पर दीपदान होता है। और ऐसे तो पूरे साल कोई ना कोई उत्सव आता रहता है और देश विदेश से भी सभी गंगा मैया के दर्शन करने आते हैं, लेकिन उस दिन ये दीपदान होता है। तो बस मैं उसी के लिए कुछ सामग्री है मेरे पास और मैं उसी को शेयर करूँगी। और ये है कुछ सामग्री है मेरे पास जो हमें चाहिए उस दिन। ये दिया जलाते हैं उस दिन, दीपदान करते हैं, तो एक दिया चाहिए मिट्टी का, छोटा बड़ा जैसा भी आपके पास हो, इतना बड़ा तो कम से कम हो। और ये कच्चा धागा, और एक या ये हो मोली हो और या ये कच्चा धागा हो, दोनों में से कोई भी हो, या कॉटन रुई हो आपके पास, और छोटे दो दिए हो, ये दिए और जितनी आपकी श्रद्धा है उतने पैसे, और घी गाय का शुद्ध, और या ये तिल का तेल होता है ये भी हम ले सकते हैं, और धूप बत्ती, एक माचिस, और ये प्रसाद में प्रसाद के लिए, और ये पंचमेवा भी ले सकते हैं या मिठाई भी ले सकते हैं, जो भी लड्डू या कुछ भी, और ये फूल वगैरह। और ये मैंने तो अपने बगीचे के फूल लिए हैं दो, और मेरे बगीचे में काफ़ी फूल हैं, मैं उसी से करूँगी। और सुबह जब भी शाम को जाऊँगी उसी को, ये गम कुछ ये गेंदे के हैं और कुछ मेरे पास गुलाब के हैं, वो सभी मैं ले जाऊँगी, और वाइट कलर के भी, जैसे भी आप ले सकते हो वैसे ले लो जो भी आपके पास है। और वैसे तो ये सब वहाँ गंगा जी पे भी सब मिल जाता है, बना बनाया दिया भी मिल जाएगा और बाती भी यही सब मिल जाएगा, मगर फिर भी अगर आप नहीं वहाँ लेना चाहते हो और अपने घर से ले जाना चाहते हो, ये वही सामग्री है बस। और ये कपूर, धूप बत्ती, और ये सब हमें लेना है। और इसमें अब ये मैं बता देती हूँ, ये हम जो ये बत्ती बनाते हैं ये 365 बनाई जाती है, अगर लीप का महीना होता है तब ये 366 होती है। और हम ये और ये बत्ती हम कैसे बनाएंगे, वैसे तो वहाँ भी मिल जाती है मगर अगर हम नहीं बनाना चाहते तो अपने घर से ले जाएंगे तो कैसे बनाएंगे हम इसको, ऐसे ये कच्चे धागे में, इसमें जो है 8 धागे हैं मेरे, और 8 धागे को हम कितनी बार लेंगे, 8 धागे को, ये कच्चा धागा है सफ़ेद, और इसी की ये बत्ती बनेगी, 365 बनानी है हमें, तो उसी को वो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हम 46 बार, ये 8 है इसमें तो मैं इसको 46 बार घुमाऊंगी तो इसमें 368 निकलेंगे धागे बनेंगे, 368, तो हमें चाहिए 365, तो मैं इसको 46 बार घुमाऊंगी और तब मैं आपको दिखाऊंगी। और एक ये है ये वाला भी, इसमें 3 धागे ही होते हैं बस, तो इसको 122 बार घुमाएंगे तो 366 आएंगे इसमें, और एक धागे को इसमें से निकालना है हमें। ये अलग अलग आते हैं, और या रुई की भी बना सकते हैं बत्ती अगर हम 365 बनाना चाहे तो। और ये गंगा जी पे हम दीपदान करेंगे इसका, ये देखिए ये मैंने इसको 46 बार ले लिया है और इसमें ये 368 हो गए। अब हमें इसमें से 365 रखने हैं और बाकी इसमें से निकाल देने हैं जितने हमें ज़रूरत है, 365 रखने हैं हमें। अब ये हमें एक तरफ से यहाँ से ये कट कर देना है बीच में से, और ये हमारी 365 बत्तियाँ तैयार हो जाएंगी, और 3 हमें निकाल देना। ये देखो आराम से ऐसे बड़े आराम से कट हो जाता है, कैंची से, तेज धार की कैंची हो तो ये बड़े आराम से होता है। मैं इसमें से 3 धागे निकाल दूंगी, ये 1 और ये 2 और ये 3, अब ये हमारे 365 हो गए। और ये एक बार और बता दूंगी, बताती हूँ मैं आपको, ये मेरे 8 धागे रहते हैं इसमें, 8 धागे रहते हैं कच्चे धागे में, और इसमें तो 3 ही रहते हैं, और
और इसको जो है बनाना, वैसे इसमें सफ़ेद जो वाइट होता है कच्चा धागा उसमें बनाना चाहिए, अगर बाई चांस नहीं मिलता है तब इसमें बना ले आप मोली में, नहीं तो ये कच्चा धागे का यूज करें आप बत्ती के लिए। और ये हमारे 46 है, 46 बार हमने ऐसे किया और 368 हुए, 3 मैंने इसमें से निकाल दिए। तो ये अब हमारी ये बत्ती बन के तैयार हो गई है, बस अब हमें इसमें रखना है ऐसे, बड़ा ले लें दिया, मैं बड़ा लूँगी, ये तो छोटा है, और सीधे ऐसे करके बस इसमें घी या तो तिल का तेल यूज करें या देसी घी गाय का। और ये जो दिए हैं दो, ये मैंने लिए हैं, एक तो इसके इसके लिए लिया है, ये होता कपूर जलाने के लिए, वहाँ पे कपूर से आरती करेंगे, और एक धूप से, और एक हमें छोटा थाली लेनी पड़ेगी, इसको दिए के रखेंगे, और ये सब रखेंगे, और ये फूल वगैरह रखेंगे, और एक हमें चंदन लेना है, चंदन या कुमकुम, मैं तो चंदन लूँगी, आपके पास जो होगा वो ले लेना। और ये सब प्रसाद के लिए मिश्री, और यह मिठाई और पंचमेवा फल जो भी है सब ले सकते हैं, और पैसे और ये और सब लेंगे, और माचिस, और ये सारा सामान, ये सारी सामग्री है। और वहाँ क्या करेंगे, ये जो प्रसाद होता है ये तो हम थोड़ा गंगा मैया को थोड़ा सा चढ़ाएंगे वहाँ पे, और बाकी ये बना के और सब जो गरीब रहते हैं या किसी को भी बांट दें घर में, या किसी को भी जो भी आसपास हो उनको दे दें, लड्डू ले जाए या कुछ भी, जो भी हम ले जा सकते हैं, और जितने भी पैसे, जरूरी नहीं है कि 100 का ही नोट ले जाएं, जितना भी हम दान करें उसको दे दें, दीप दान तो करेंगे ही करेंगे, वहाँ पे ये भी हम करेंगे। वो भी हम अपनी श्रद्धा भाव से फल चढ़ाते हैं, या कोई भी रुपए जितने भी रखते हैं अपने हिसाब से, पैसे रुपए प्रसाद भोग जो भी चढ़ाते हैं, ये जो गंगा जी पे जो बैठे रहते हैं, जो असमर्थ होते हैं काम करने में, उनको ये दान दीजिए। और जो ये हम बत्ती बनाएंगे, ये जो बत्ती, इसको थोड़ा बत्ती का रूप ले लें ऐसे कर, ऐसे करके, और ये पूरा बत्ती के रूप में आ जाएगी। और फिर इसको अगर हमने घी, देसी घी डालना है इसमें गाय का या भैंस का, तो उसको हम इसमें पहले से ही डाल के रखें, ताकि ये अच्छे से ढंग से पी जाए। और ये बड़ा दिया लें, ये तो छोटा है, मैं बड़ा लूँगी, या फिर आप ये जो तेल होता है ये वाला डाल लें, तिल का तेल, और ये 365 बत्तियाँ होती हैं वो हम इसलिए दीपदान करते हैं, जो रोज गंगा जी तो जा नहीं सकते, तो साल में ये वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गंगा मैया का जो दीपदान होता है उन्हें वो पूरे साल का पुण्य प्राप्त होता है। अगर जो गंगा जी नहीं जा सकते तो वो निराश नहीं हो, ये घर में भी बैठकर हम कर सकते हैं, बस हमें क्या है गंगा का माता का ध्यान करना है, और फिर दिया जलाना है, और रोली मोली और चंदन का टीका लगाना है, और फूल अर्पित करने हैं, और फिर हम आरती करें, और फिर गंगा मैया को भोग लगाएं। अपने मन में ये सब सोचकर, जैसे हमारे गंगा मैया हमारे सामने खड़ी है, सब ये गंगा मैया का ध्यान करके ये सब कुछ करें। और वैकुंठ चतुर्थी के दिन जो भी गंगा जी पर दीपदान मैं करूँगी, तो मैं एक वीडियो शेयर करूँगी।